सावन का महीना शुरू हो गया है, यह संयोग है कि भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन सोमवार से सावन मास की शुरुआत हुई है। सावन माह के पहले दिन प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गईं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालु उचित शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए ही भोलेनाथ के दरबार में प्रवेश करेंगे और दर्शन कर पाएंगे। मंदिरों में शिव पूजा व अभिषेक पुजारी ही संपन्न करा पाएंगे। पंडित ओम प्रकाश शास्त्री व पुजारी पंडित रत्नेश शास्त्री ने बताया कि श्रवण माह की शुरुआत उत्तराषाढ़ नक्षत्र व वैद्यती योग में हुई। इस माह में अद्भुत संयोग के साथ 36 योग बन रहे हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार सावन में 5 सोमवार हैं। इस महीने में भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोपाल के छोला रोड विश्राम घाट में स्थापित और भोपाल के राजा कहे जाने वाले भगवान मुक्तेश्वर महाकाल की सावन माह में रोजाना सुबह 5 बजे भस्म आरती और अलौकिक श्रृंगार किया जा रहा है। गुफा मंदिर में हर साल सावन का मेला लगता है, लेकिन इस बार ना तो मेला लगेगा और ना ही झूले डलेंगे। शिवालय में जल चढ़ाने के लिए सीमित संख्या में ही भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। परिसर में सभी उचित शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। श्री बड़वाले महादेव मंदिर सेवा समिति द्वारा श्रवण मास के प्रथम सोमवार पर श्रद्धा श्रावण महोत्सव के दौरान बाबा बटेश्वर का अलौकिक श्रृंगार किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।